कुछ मूर्खों ने रास के अर्थ को जाना नहीं और रास शब्द को उन्होंने भोग विलास के अर्थ में जोड़ दिया। इतना अधिक हिंदू संस्कृति का यह ह्रास है। यह ह्रास ये है कि आप हिंदुओं को अपने भगवान की सही बात पता नहीं है। आप लोग अपने भगवान की इस लीला को भी गलत नजरिए से देखते हैं। आप समझते नहीं है कि वो कौन है। कृष्ण के बारे में गीता पढ़ो, पता चल जाएगा, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। कृष्ण को गीता में क्या बताया? योगियों के योगी हैं कृष्ण। कृष्ण कौन है? योगी हैं, योगी, भोगी नहीं, योगी है। वो योगी रास लीला में गोपियों के जन्म जन्म की अभिलाषा को पूरी कर रहे हैं। भक्त की इच्छा है कि मैं भगवान को गले लगाऊं, तो भगवान ने लगाया। अब आप उसे कुछ भी समझो, वो रास लीला है। उस लीला को, उस मिलन को नाम दिया गया रास। पूरी दुनिया के नेता आए और हमारे देश में आकर गले लगे, एक दूसरे से मिले, उस मिलन को क्या नाम दिया? G20। उसी तरह गोपियों और जब भक्त और भगवान का मिलन हुआ तो उस मिलन का नाम दिया गया रास। क्या बुराई थी भाई? तो जैसा होता है वो वैसा समझता है। यदि आप कामी हैं तो इस लीला में आपको काम ही दिखाई पड़ेगा। जिन शंकर जी ने कामदेव को जला दिया हो, जिन शंकर जी ने, वो गोपी बनकर आ रहे हैं और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण हमें रास में सम्मिलित करो। तो क्या ये रास लीला कोई विषय वासना की लीला थी क्या? क्या ये रास लीला कोई काम वासना की लीला थी क्या? यदि थी तो शंकर जी तो वो थे ना जिन्होंने काम को जला दिया। तो शंकर जी फिर यहां क्या कर रहे हैं? इसका मतलब ये लीला कोई सामान्य स्त्री पुरुष की लीला नहीं है, कोई विषय वासना की भोग विलास की लीला नहीं है। ये लीला क्या है? रास का मतलब क्या होता है? रास। वो शंकर जी श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे नाथ हमें इस रास में सम्मिलित करो। वो कृष्ण है और ये गोपियां कौन है? ये गोपियां कौन है? इन गोपियों का मैं परिचय दूं। जब भगवान राम 14 साल का वनवास के लिए गए तो राम जी 14 वर्षों में बहुत सारे संतों के, ऋषियों के आश्रमों में, कुटियाओं पर गए। पर बहुत कुटियाओं पर तो गए, पर बहुत संतों के यहां गए नहीं, क्योंकि समय कम था। जाने के लिए संत बहुत थे, किस किस के पास जाए? अच्छा, किसी के यहां गए तो गए और 5 मिनट में वापस आए तो ना उसका जी भरा देख कर, ना खिला करके, ना कुछ पिला पाए, ना कुछ खिला पाए। मन में थोड़ी सी रह गई कि ना तो हम पानी ही पिला पाए, ना तो हम भोग ही लगा पाए, ना तो हम जी भर के देख ही पाए। तो वो जितने संत थे सब ने राम से कहा, प्रभु आपको अभी तसल्ली नहीं हुई देख कर खानी। तब राम जी ने उन संतों से, वो संत जो तपस्या कर करके हड्डी सूख गई, बिल्कुल हड्डी हड्डी बची, बिल्कुल शरीर जर्जर, वो साधु संत, एक पांव से खड़ा कोई, पानी में खड़ा कोई, उल्टा खड़ा कोई, राम नाम का जप कर रहा है, वो राम को पाने के लिए बेचारे सूखे से संत, तपस्वी संत, वो कह रहे हैं, प्रभु अभी हमने जी भर के नहीं देखा। तब भगवान ने कहा, मैं वचन देता हूं आप सभी संतों को, इस जन्म में तो इतना ही दर्शन था, पर अगले जन्म में आप सब गोपी बनकर आना, मैं आपके संग रास रचाकर आपके इस जन्म की अभिलाषा पूरी करूंगा। तो ये जो गोपियां हैं ये कोई सामान्य औरतें, स्त्रियां नहीं हैं, कोई भोगी विलासी स्त्रियां नहीं हैं, ये ऋषि हैं। और ये रास का मतलब है मिलन। किसका? जीवात्मा और परमात्मा का, भक्त और भगवान के मिलन को रास कहते हैं। जैसे हमारा और आपके मिलन में सत्संग माध्यम है। सत्संग क्या है?
माध्यम सत्संग के माध्यम से हमारा और आपका मिलन हुआ, उसी तरह भक्त और भगवान के मिलन में रास माध्यम है, ये रास माध्यम बना जिसमें जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हुआ, इस मिलन को रास कहते हैं। पति का मीरा ने कृष्ण को क्या माना, डायरेक्ट बोला उसने कि मेरे तो पति हैं, मीरा तो प्रकट रूप से कहती है कि ये मेरे पति हैं, और मीरा ने कृष्ण से पति के भाव से प्रेम किया। तो बताओ क्या मीरा के द्वारा कृष्ण को पति मानना, क्या ये भाव गलत था? भगवान से प्रेम आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। यशोदा ने पुत्र रूप में किया, द्रौपदी ने भाई रूप में किया, रही भावना जैसी बस। और जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में थे ना, तो ब्रज की जितनी सखियां देखा करती थी ना श्याम सुंदर को, तो वो इसी भाव से देखती थी कि ये मेरे पति हैं। सारी गोपियां कात्यायनी माँ की पूजा करने जाती थी तो यही प्रार्थना करती थी कि हमें कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो। कात्यायनी महामाये महा योगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी माँ, हम आपसे यही चाहती हैं कि जो नंद का छोरा कृष्ण है वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो। अब बताओ जो गोपियां जो कृष्ण को पति के रूप में मान चुकी थीं, कृष्ण को पति मान चुकी थीं, अब भगवान उनके पति के रूप में प्रकट होकर और उनके संग जो रास रचा रहे हैं, वो रास क्या था? जिनकी इच्छा थी कृष्ण को देखने की, छूने की, गले मिलने की, उन सबकी इच्छा भगवान पूरी करते हैं, उसी का नाम है रास। स्त्रियों की कामनाएं, और केवल स्त्रियों की नहीं, पुरुषों की भी कामना। शंकर जी स्त्री तो थे नहीं, पुरुष थे, पर शंकर जी की भी कामना थी कि मैं कृष्ण को गले लगाऊं। पुरुषों का मन नहीं होता कि हम भगवान को गले, अरे सुनो, जब आपका बेटा आता है तो आप अपने बेटे को गले लगा लेते हैं, उसके कंधे पे हाथ रख लेते हैं, क्या आपका मन नहीं करता? जब आपका दोस्त मिलता है बचपन का, तो आप बिना गले लगाए लिपटे हुए बिना रहते हैं क्या? पुरुषों की कामना, तो वो स्त्री हो या पुरुष, सबको भगवान गोपी, गोपी मतलब स्त्री नहीं, यहां क्लियर समझो, गोपी का मतलब स्त्री नहीं, गोपी मतलब भाव। गोपी का मतलब स्त्री होता तो शंकर जी तो पुरुष थे, पर गोपी की वेशभूषा में गए थे। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो एक विशेष ड्रेसअप होता है, यूनिफॉर्म होता है, उसी प्रकार रास की एक विशेष यूनिफॉर्म बनाई गई, जो यूनिफॉर्म गोपी नाम से कही गई कि गोपी के यूनिफॉर्म पर आना है सबको, चाहे शंकर जी आए, चाहे गोपी आए, चाहे नारद जी आए, चाहे हम आए, चाहे आप आए। और गोपी कौन बन सकता है? जिसके अंदर भगवान के चरणों में प्रेम है। किस प्रकार का? शंकर जी के प्रकार का, नारद जी के प्रकार का, राधा रानी के प्रकार का, गोपियों के प्रकार का, ऐसा प्रेम है विशाल। तो इस रास में आइए, स्वागत है। जीवात्मा और परमात्मा का क्या है? मिलन का नाम रास। जो जैसा होता है वो वैसा समझता है।